एवरीवन, वेलकम टू बोलवीज टेस्टफुल किचन। आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही यमी सी ग्रेवी जो है बिना लहसुन प्याज के, तो इसे आप जैन ग्रेवी भी कह सकते हैं। ये देखिए इंग्रेडिएंट्स हैं, हमने एक बड़ी इलायची ली है, 4 से 5 लौंग ली हैं, 2 छोटी इलायची ली है, 6 पेपरकॉर्न लिए हैं, काली मिर्च है साबुत, और छोटा सा टुकड़ा ये दालचीनी का लिया है, एक तेज पत्ता है, आधा इंच अदरक है जिसके थोड़े मोटे मोटे पीस हमने कर लिए हैं, 10 से 15 काजू को हमने सोक कर लिया है गर्म पानी में पहले से, थोड़ा सा ये कसूरी मेथी पाउडर है, कश्मीरी रेड चिली पाउडर है, 3 कश्मीरी रेड चिली को बीज निकालकर गर्म पानी में हमने काफ़ी देर से सोक कर रखा है, 1 शिमला मिर्च ली है, और ये आधा चम्मच हमने इसमें चीनी डालने के लिए ली है, पिंच ऑफ हींग है, नमक है, कुछ सूखे मसाले हैं, जैसे जैसे हम डालते जाएंगे बताते जाएंगे। ये आधा किलो के करीब लाल टमाटर है, और काजू ना हमने 1/4 कप से थोड़ा सा कम लिया है, मतलब टुकड़ा काजू है ना, इसलिए मैं आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकती। 2 टेबलस्पून ऑयल हमने कढ़ाई में गर्म होना रख दिया है, इसमें डाल रहे हैं हम तेज पत्ता, और इसके साथ साथ हम ये सारे खड़े मसाले डाल देंगे। इनको धीमी आंच पे हम भूनेंगे, इनका जो फ्लेवर है, जो खुशबू है, वो पूरा अच्छे से इस ऑयल में एब्जॉर्ब हो जाए। इसका फ्लेवर से ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। आप घर में वैसे ही बनाना चाहते हैं सादा, तो आप वो भी कर सकते हैं, आप बिना खड़े मसाले के भी ये ग्रेवी बना सकते हैं। इसमें डाल देंगे अब हम ये शिमला मिर्च, इसको हम भूनेंगे अच्छे से, साथ साथ हमने ना इसमें काजू डाल दिए हैं, और ये देखिए शिमला मिर्च हल्का सा ब्राउन होने लगी है, तभी इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, देखिए आप देख रहे होंगे अच्छे से। अब देखिए ये शिमला मिर्च जो है करीब करीब भुन गई है अच्छे से, आप देखिए। अब हम इस समय ना इसमें डाल देंगे ये टमाटर, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और टमाटर ना हमें सॉफ्ट होने तक पकाना है। इसी में हम डाल देंगे अदरक, जो कटा हुआ अदरक है वो डाल देंगे, और इनको हम अच्छे से भूनेंगे पकाएंगे। अब हम फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर सकते हैं, फ्लेम हाई कर देंगे, और मैं यहाँ आपको बताऊँ, देखिए ये सब्जी बहुत बहुत बढ़िया लगती है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। कोई भूनने का चक्कर नहीं है, प्याज भूनने में बहुत टाइम लगता है, तो अगर आप इस तरह से सब्जी बनाना चाहते हैं एक बार इस तरह से ट्राई कीजिएगा, और इससे हम बहुत सारी सब्जियाँ बना सकते हैं। आप इस ग्रेवी में पनीर डाल दीजिए, आप इस ग्रेवी में मटर डाल दीजिए, है ना। तो पहले मैं आपको केवल ग्रेवी बता रही हूँ, फिर उसके बाद मैं आप कोई भी सब्जी इससे बना सकते हैं। तो ये एक तरह से जैन सब्जी हो गई है, और इसको भुनने के बाद जब टमाटर जो सॉफ्ट हो जाएंगे ना, तो हम ये जितने भी खड़े मसाले इसमें हमने डाले हैं इनको बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि अच्छे से इसमें इनका फ्लेवर एब्जॉर्ब हो चुका होगा। अब जो हमने सोक की हुई रेड चिली है ना, वो डाल देंगे, कलर के लिए होती है ये, आप चाहें तो ज़्यादा डाल सकते हैं। इसी समय मैं इसमें ये चीनी डाल दूंगी आधा चम्मच, टमाटर की खटास ना इससे फिर बैलेंस हो जाती है, तो इसको अच्छे से करते हैं मिक्स, और थोड़ा सा हम इसमें नमक और हल्दी भी डालते हैं। अब डालेंगे हम इसमें हल्दी, क्योंकि हम हल्दी ऊपर से ग्रेवी में भी बाद में भूनते हुए डालेंगे, तो बहुत थोड़ी सी हमने 1/8 स्पून के करीब हल्दी डाली है। अब हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच नमक, ताकि टमाटर जो है वो जल्दी से गल जाएं। थोड़ी देर ना हम इसको ढककर पकाएंगे। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से टमाटर मैश हो गया है, गैस को हम ऑफ करते हैं और इसको ठंडा होने की इंतजार करते हैं। साथ में ठंडा होने के साथ ही ना हम इसमें से ये खड़े मसाले जैसे तेज पत्ता है, लौंग है, ये निकाल लेंगे, ताकि ये पिसने में और स्ट्रांग ना हो। ये देखिए इस टाइप से ये ग्रेवी ठंडा होने के बाद पिस गई है। एक बार ना मैं इसको इसमें स्ट्रेन कर लूंगी, ताकि थोड़ी सी और ये स्मूथ बन जाए। इसको हम ऐसे स्ट्रेन कर लेंगे धीरे धीरे। अब देखिए ये थोड़ा सा थिक जो है ना, जो हमारा नहीं पिसा इसमें वो बच गया है, इसको पानी डाल के हम निकाल लेंगे, और इसके नीचे मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए ग्रेवी कितनी स्मूथ बन गई है। तो आप छान लेंगे ना तो एक बार और अच्छा रहेगा, कि कुछ भी कोई छिलका, कोई बीज ऐसा हो टमाटर का या कुछ ऐसा नहीं पिसा हो,
तो वो पिस जाए और ये ग्रेवी जो है हमारी बिल्कुल स्मूथ हो जाए। ऑयल हमने 1 टेबलस्पून यानी 2 चम्मच के करीब गरम कर लिया है और अब हम डाल रहे हैं इसमें ये हींग, 1 पिंच हींग लिया है हमने, और इसके साथ ही साथ हम डाल देंगे इसमें ये ग्रेवी जो हमने छान कर रखी है। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, ये डालेंगे हम मसाले, ये आप ऑयल में शुरू में भी डाल सकते हैं, जले अगर आपको लगता है कि जलेंगे नहीं, सूखा धनिया पाउडर है, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, ढककर स्लो गैस पर ना हम इसे पकने देंगे। थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हम ना, अब इसको अच्छे से पकने देंगे ढककर सिम गैस पर। अब हम डाल रहे हैं कसूरी मेथी इसमें क्रश करके थोड़ी सी, और इसको भी मिक्स करते हैं। ये देखिए, अगर आप और रेड चिली डालेंगे और ऑयल डालेंगे तो ऑयल ऊपर तक आ जाएगा, अदरवाइज ये ग्रेवी जो है बहुत अच्छे से पक चुकी है। देखिए 1-2 सेकेंड हम और पकाएंगे इसको। ये देखिए हमारी सिल्की स्मूथ ये ग्रेवी जो है बनकर तैयार है, ये बिना प्याज टमाटर किए। देखिए, और आपको ज्यादा देर तक रखना है ना, ज्यादा टाइम तक रखना है, तो फिर आप इसमें ऑयल थोड़ा और ज्यादा रख दीजिए। मैंने कम मात्रा के लिए बनाई है तो मैं इसको इतना ही बना रही हूँ, थोड़ा ही बना के आपको बताया, नहीं तो 1.5-2 किलो टमाटर के साथ आप बना सकते हैं। ये देखिए और गजब का टेस्ट है, क्योंकि मैंने टेस्ट करके इसको देख लिया है। थोड़ा बाद में आप गरम मसाला डाल सकते हैं। अब मैं जो भी इस ग्रेवी से सब्जी बनाऊंगी ना उसको आपको दिखाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।